कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे, हम मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अनिसा में कि जेंडर इक्वालिटी, मेरा कुरान कहता है कि जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो, तो मुसलमान हो या हिंदू हो। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। जो बादशाह होता है, बादशाह किसी के बारे में बुरा सोचता ही नहीं है, पहली बात। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको तकलीफ होती है। अगर हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में एक विधान, एक संविधान, एक निशान से चलेगा। मुसलमान जो है वो चार शादियां करते हैं हिंदुस्तान में, पर अब आप आ जाइए कि ये शरिया लॉ पे वो करते हैं कि भाई हमको हमारा शरिया कहता है कि हम चार शादी कर लो, बिल्कुल ठीक है जी। पर वही शरिया कहता है कि अगर कोई मुसलमान मर्द रेप करता है तो उसकी उसको नापुंसक बना दिया जाए, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाए, उसके ऑर्नामेंट्स काट दिए जाए, तब ये नजरें छुपा लेते हैं। मतलब अब यहाँ पर शरिया नहीं मानना है। मुसलमान जो है बड़े आराम से धड़ल्ले से तलाक देता है, तलाक देता है। मेरा पूछना है कि निकाह तीन बार पूछ करके मुल्ला जोर आवाज में बोलिए कबूल है, जोर आवाज में बोलिए, और कई मेहमान होते हैं, कई रिश्तेदार होते हैं, कई एक्वेंटेंस होते हैं, पूछ पूछ कर निकाह कबूल है करवाया जाता है, तलाक बिना पूछे बिना इजाजत के हो जाता है। बेतहाशा हिंदू बच्चियों को तो आप फोर्सिबली मुस्लिम कह रहे हैं, मगर क्या आपने किसी हिंदू नौजवान को किसी मुस्लिम लड़की के चक्कर में मुसलमान होते हुए देखा है? किया तो देखें, ये फोर्स। नमस्कार दोस्तों, भारत में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर खूब चर्चा बनी हुई है और सरकार भी ये बिल लाने पर विचार कर रही है, क्योंकि एक देश में एक कानून होना चाहिए, एक देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। इस पर भारत में मुस्लिम धर्म के लोगों में थोड़ी चर्चा ज्यादा ही है और सभी मुल्ला मौलवी अपने स्वार्थ के लिए लोगों में गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं। इस पर भारत की बेटी नाजिया इलाही खान ने इन मुल्ला मौलवियों की पोल खोल दी, क्योंकि इन मौलवियों का मस्जिद का पैसा होगा उसका हिसाब देना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद सभी समुदाय के लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएंगे और लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलेगा। ये लागू होने से भारत की महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और कानूनों में सरलता और स्पष्टता आएगी। इसके अलावा सभी लोगों को और खूब फायदा मिलेगा। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़की किसान होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़की फाइटर जेट भी चलाती है। हमारे हिंदुस्तान में लड़की अगर टीचर होती है तो हमारे हिंदुस्तान में लड़कियों का बटालियन आर्मी ऑफिसर भी होता है। हमारे हिंदुस्तान में अगर लड़कियां हाउसवाइफ होती हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस भी होती हैं। और हमारे हिंदुस्तान के सबसे गर्व की बात यह है कि हमारे हिंदुस्तान में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो एक महिला है और ट्राइबल वुमेन है, और उनका जब हिस्ट्री आप निकालेंगे तो आंखों में पानी आ जाएगा। बल्कि एक भारत एक संविधान की बात की जा रही है, एक कानून की बात की जा रही है। हिंदू अपने मंदिर में जाएंगे, मुसलमान अपने मस्जिद में जाएंगे, क्रिश्चियन अपने गुरुद्वारा अपने चर्च में जाएंगे, पंजाबी अपने गुरुद्वारा में जाएंगे। किसी भी कास्ट क्रीड को किसी भी तरीके से कोई भी तकलीफ नहीं दी जाएगी। एक भारत एक संविधान, एक राष्ट्र एक संविधान, एक भूमि एक संविधान, ये करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स में विस्तार में बताऊंगी कि क्यों मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के कुछ मुसलमानों को तकलीफ हो रही है और उनको एक उनके पेट में दर्द और उनको लूज मोशन क्यों स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को, क्योंकि उनको ऐसा एहसास होने लगा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर आ जाता है तो जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, और जेंडर इनइक्वालिटी अगर खत्म हो जाती है तो हमारे मौलाना सैयद अरशद मदनी जो देवबंद समाज के सबसे बड़े और मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हुए हैं हमारे हिंदुस्तान में, उन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि मुसलमान औरतें औरतों के बराबर हो जाएंगी। मौलाना शफीकुर रहमान बर्क जो हमारे हिंदुस्तान में मुसलमान समाज के ठेकेदार बनकर बैठे हैं दाढ़ी और टोपी में खुद की आइडेंटिफिकेशन छुपा करके, उनका कहना है कि औरतों की बराबरी मर्दों से कभी नहीं हो सकती है और यूनिफॉर्म सिविल कोड एक जरिया है औरतों को मर्दों के बराबर खड़ा करने का, ठीक है। उसके बाद फिर मौलाना तारिक जमील की बात करते हैं तो उनको भी यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत बहुत नफरत है। अब मौलाना साजिद रशीदी की बात करते हैं जो हमारे हिंदुस्तान में काफी फेमस मौलाना है,
तो इन लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से बहुत नफरत है, क्योंकि इनके मजार में चादर का जो पैसा आता है, नखुनदाने का जो पैसा आता है, फूल का जो पैसा आता है, डोनेशन का जो पैसा आता है, अगरबत्ती का जो पैसा आता है, इत्र का जो पैसा आता है, चंदा का जो पैसा आता है, फितरा का जो पैसा आता है, जकात का जो पैसा आता है, लैंड माफिया जो वक्फ बोर्ड पर चल रहा है, इन सारी चीजें, ये सारी धंधाबाजी इनकी बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इनके पेट में दर्द स्टार्ट हो गया है। अब मैं आती हूँ कुरान पर, क्योंकि लोग समझ नहीं पाएंगे कि अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं क्योंकि मोदी जी ऐसे ही पाकिस्तान में हवा बना हुआ है कि मोदी जी हिंदुत्व को ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मुसलमानों को डिप्राइव करके रखे हुए। वो भी मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हलाला सूरह अल बकर वर्सेस 2.230 में ये साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, हलाला इज अ सिन। कुरान कहता है इकरा, पर हमारे मौलाना कहते हैं मत पढ़ो, लड़कियां मत पढ़ो, और लड़के ऐसे भी पढ़ने में कोई दिलचस्पी रखते नहीं है, मुसलमान लड़के, मुसलमान लड़कों को फ्यूचर करियर इंजीनियर डॉक्टर बनना, साइंटिस्ट बनना, इन सब चीजों में, पायलट बनना, इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। कुरान कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में सूरह अन-निसा में, पर मुल्ला कहता है, मौलवी कहता है कि जेंडर इक्वालिटी नहीं होने देंगे हम, मुसलमान औरतों को अपने बराबर में आकर खड़ा नहीं होने देंगे, जबकि कुरान कहता है सूरह अन-निसा में कि जेंडर इक्वालिटी। अब आते हैं सूरह अल अहज़ाब में चैप्टर 33 वर्सेस 59 में, जिसमें जिलबाब वर्ड अरबिक में यूज किया गया है, जहां पर यह बताया गया है कि औरतों को लूज कपड़े, मतलब लूज आउटफिट पहनने की जरूरत है, हिजाब, बुरका, अबाया, इन सारी चीजों का कोई भी जिक्र पूरे कुरान में नहीं है। ये मैंने आपको पूरा पूरा कुरान के हवाले से बता दिया है। अबू मरतहद जो मैसेंजर थे खुदा के और जो प्रॉफिट मोहम्मद के पास जाया करते थे और बहुत सारे प्रॉफिट्स के पास जाया करते थे, उन्होंने कहा है कि मजार पर बैठना या मजार की वर्शिप करना या मजार पर सजदे मारना या माथा को फोड़ देना मजार पर, ये जो है ये कुरान के हिसाब से सिन है, पाप है। पर हमारे मुल्ला जो है हिंदुस्तान के, वो नहीं चाहते हैं कि मजार में ताला लगे, चाहे अजमेर शरीफ में जितने भी बलात्कार हो जाए और अजमेर 92 का किस्सा कितना ही सुप्रीम कोर्ट में खुल जाए कि वहां कितनी अश्लीलता होती है, वो ये लोग नहीं सामने लाना चाहते हैं। क्योंकि अब बात ऐसी आती है कि जहां पर गंद मचता है तो बात आज आए या 10 साल बाद आए, बात तो खुली जाती है। मैं कहना चाहती हूं कि जब निकाह करते वक्त 3 बार कबूल है पूछा जाता है लड़कियों से, तो 3 बार तलाक बोलने से पहले पूछा क्यों नहीं जाता है? कौन सा कुरान है और कौन सा ये मुल्ला है जो कहता है कि 3 बार हम फोन पर तलाक दे देंगे और तलाक हो जाएगा? 14 मुस्लिम कंट्री ने तलाक को बंद करके रखा। हिंदुस्तान का मुल्ला यहां पर 2016 तक तलाक कराता रहा पैसा ले लेकर के, और 17 में जब मैंने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, तब जाकर के इसका बेंचमार्क और हिस्टोरिकल जजमेंट आया कि इस तलाक को बंद किया जाए, और हमारे पार्लियामेंट में, हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में इस पर बिल आया कि इसको बंद किया जाए और इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, 3 से 7 साल की सजा है। तो ये कौन सा मुल्ला है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से इतना कौन सा डर है? कुरान तो कहता है जेंडर इक्वालिटी के बारे में, कुरान तो कहता है एडुकेशन के बारे में, कुरान तो हमें नहीं कह रहा है कि हमको बुरके में छुप जाना है, कुरान तो नहीं कह रहा है कि हम औरतों को सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, कुरान तो हमें सारी चीज की इजाजत दे रहा है। तो हम अब ठान चुके हैं इस हिंदुस्तान में कि एक हिंदुस्तान होगा, एक संविधान होगा, एक भूमि होगी, एक राष्ट्र होगा और एक भारत माता होगी। कैसे कैसे मुसलमान जो है लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को नहीं बल्कि अदर कम्युनिटीज को भी बेवकूफ बनाते हैं। शरिया कहता है कि तलाक के इद्दत से लेकर के वो लड़की जब तक दूसरी शादी करके दूसरे घर में ना बस जाए, तब तक आपको उसका दाना पानी और खर्चा देना पड़ेगा। अब क्योंकि इनको खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए तुरंत ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ये कहते हैं मेंटेनेंस फाइल करेगी, अब मेंटेनेंस फाइल करेगी तो मेंटेनेंस अप्रूव ही हो जाएगा, कम से कम 2 साल लग जाएंगे अप्रूव होने में, फिर वहां पर कोर्ट में वो रोएगा गाएगा 1500 से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते, 1000 रुपए से तो ज्यादा हम दे ही नहीं सकते। तो आप सोचो कि कहां कहां पर ये मौलवी मुल्ला लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और हर एक कास्ट और क्रीड को बेवकूफ बनाते हैं। जहां पर इनको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है ये शरिया लॉ ले आते हैं, जहां इनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती है वो संविधान को मानने लगते हैं। यही संविधान, हिंदुस्तान का संविधान आर्टिकल 44 कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है,
इसको नहीं मानेंगे, वो आर्टिकल 44 को नहीं मानेंगे, लेकिन फंडामेंटल राइट्स पर जरूर कूदेंगे कि आर्टिकल 19 हमारा है, आर्टिकल 14 हमारा है, आर्टिकल 21 हमारा है, आर्टिकल 22 हमारा है। भैया तुम उसी संविधान के आर्टिकल 44 को नहीं मान रहे हो, पर जो फंडामेंटल राइट्स है उसको, उसके लिए तुम आर्टिकल चिल्ला रहे हो। ये तो मुसलमानों की बात नहीं है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसमें बहुत सारे मजहब रहते हैं, इसमें मुसलमान ही नहीं रहता है। जब किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी तो मुसलमान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने देखा होगा 70 सालों से हिंदुस्तान के मुसलमानों को कांग्रेस ने तालीम से दूर रखा, रोजगार से दूर रखा, हम किसी सेक्टर में थे ही नहीं, हम किसी के निशाने पे थे ही नहीं। आज तक मुसलमानों को यहां की सियासी पार्टियों ने वोट के लिए इस्तेमाल किया है। आज अगर ऐसा बादशाह आया है, आज अगर ऐसा बादशाह आया है जो मुसलमानों को, हर एक मजहब के लोगों को मजबूत करना चाहता है, मेरे ख्याल में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हमारे मुल्क में हर एक शख्स आगे बढ़ना चाहता है। अगर आपने देखा होगा पिछले 30-35 सालों से एक दौर था कश्मीर में दाएं बाजू को गड़ी लगाते थे, ये कुछ ऐसे लोगों ने, शरारती लोगों ने लोगों के जहनों में डाला कि आप दाएं बाजू को गड़ी लगाओ और आधा घंटा टाइम इसका पीछे रखो क्योंकि पाकिस्तान के टाइम से मिला दो। मेरे ख्याल में ये कोई चेंजिंग नहीं थी, ये हमें बर्बाद करने की कोशिश थी। 30-35 सालों से हिंदुस्तान में हर बाजार में आतंकवाद के हमले होते थे और कश्मीर में तो बुरा हाल ही रहता था। कश्मीर में 6 मंथ 3 मंथ बंद रहता था, नेटवर्क बंद रहता था। हमारी जो जनरेशन थी, हमारे जो बच्चे थे, मेरी जनरेशन के जो लोग थे, उन्होंने तालीम हासिल की नहीं, जब बंद ही रहता था।